आज ही शुरू हुआ, आज ही खत्म होगा। इसमें बेसिकली टीम्स का ट्रायल है और टीम्स के अच्छे प्लेयर्स को छांटा जाएगा जिनको आगे नेशनल के लिए भेजना है। तो ये पूरा प्रक्रिया एक दिन का ही है क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी 8-10 महीने से काम बंद पड़ा हुआ था। और वैसे तो मुझे यहाँ पे 11:30 आना था, सुशांत सिंह जी की डेथ के कारण हम वहाँ पे टेस्टी में लेट हो गए। सीधा चल के यहाँ आऊँ, यहाँ से मंडी निकलूँगा। यहाँ जो नया टैलेंट हमारा हिमाचल प्रदेश एथलेटिक्स में है उसके बारे में आज एक ओपन मीट हो रही है। इसके बाद यहीं से आज ही जो है सारी टीम्स फाइनलाइज कर ली जाएंगी, जो बेस्ट प्लेयर्स है छांट ली जाएंगे और उनको फिर आगे कैंप लगा के तैयारी की। और प्लेयर्स के लिए किस तरह की जो सुविधाएं सरकार जनरेट कर रही है? आपको सबको पता ही कि स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारी 2000 दिन में आने वाली है, उसमें हम पूरा डिटेल में स्पेल करने वाले हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। और एथलेटिक्स का लिए एक बहुत बड़ा रोल जो है आने वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी में हमने रखा है। और इंडिजिनस गेम्स के ऊपर हम काफ़ी एम्फोसिस कर रहे हैं। 12 एकेडमीज को लॉन्च करने का हम एक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, उसमें एथलेटिक्स के लिए हमने 2-3 जगह चयन की है। परसों चौथ जब मैं पूरी अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी स्पेल आउट करूँ उसमें विस्तार से आपको बताएँ। धन्यवाद।